दशहरे का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाती है नगर की जनता के सहयोग से, और लक्कड़दास मंदिर से राम जी की सवारी प्रारंभ होकर प्रमुख चौराहे से होते हुए दशहरा प्रांगण में पहुंचती है, और यहाँ पर रावण की प्रतिमा का वध एवं दहन का कार्यक्रम संपन्न होता है। ये प्रतिवर्षा अनुसार जो व्यवस्था है सारी व्यवस्था आप लोग दशहरे में तो नगर का संचलन तो निकलना नहीं है, एक तारीख को और दो तारीख को संचलन रहेंगे हमारे पास संचलन और महाविद्यालय इकाई के संचलन, तो उसका पूरा मार्ग हम लोग लाए हैं। निवेदन यही सर कि जो प्रमुख चौराहे हैं उस पर बैरिकेड लग जाए, और हमारे संचलनों में घोष रहता है, तो घोष से कई बार क्या होता है कि मवेशी उत्तेजित हो जाते हैं, तो कई बार या तो स्वयंसेवकों को भी डर होता है या हम लोगों को भी खतरा रहता है, मवेशियों का थोड़ा ध्यान रखें। नहीं निवेदन है आपसे, और मार्ग की सूची हम लोग लाए अभी आपको दे देंगे। जी दो तीन जगह छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े रावण बनाते हैं अलग से बनाकर और जलाते हैं, तो वो वायर से जलने का पब्लिक के निकलने का बहुत खतरा रहता है, और बहुत बड़ी संख्या में बनाने लग गए, मतलब एक चौराहे से दूसरे चौराहे के बीच में चार जगह रावण जल रहे हैं, तो जब एक बड़ा रावण जल रहा है तो उसके अलावा अन्यत्र रावण ना जलाए जाए, और या फिर उसकी अच्छा है तो उसका एक साइज होना चाहिए 15-15 फीट के रावण, चंद्रशेखर मार्ग में 10-15 फीट के रावण।